अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उज़्माज़ किचन के आज के पहले व्लॉग में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। छुट्टी का दिन था, फैमिली सारी घर पर थी और मौसम भी इतफाक़ से बहुत अच्छा हो रहा था, तो हमने प्लान किया खानपुर डैम जाने का। और यहाँ आकर पता चला कि हमारा फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि मेरा तो यहाँ आने का पहला तजर्बा था। सुना ही हुआ था खानपुर डैम के बारे में, लेकिन जाकर देखा नहीं था। तो मैंने पहली दफ़ा जब इसको देखा है तो वाकई इसकी खूबसूरती में बहुत लाजवाब है। आप देख सकते हैं इसके जो नज़ारे हैं, चारों तरफ वादियां हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, और दरमियान में डैम है। उस पर इन्होंने एक पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है। मैंने सोचा अपने ये अपने नाज़रीन के साथ इस तमाम खूबसूरत नज़ारे क्यों ना मैं शेयर करूं व्लॉग की सूरत में। हमारी तरह और भी बहुत सी फैमिलीज़ आई हुई थी पिकनिक मनाने के लिए, और सिर्फ फैमिलीज ही नहीं, स्कूल और कॉलेजेस की तरफ से ट्रिप भी आए हुए थे। पानी पर से होती हुई जब ठंडी ठंडी हवा आपसे टकराती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जिस तरह से आपको पता है गर्मी का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में ऐसी जगह बहुत ज़बरदस्त रहती हैं। पाकिस्तान में खूबसूरती हर जगह है, लेकिन यहाँ आकर जो खूबसूरती मैंने देखी थी, चारों तरफ पहाड़ और दरमियान में पानी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ अब हम बोटिंग के लिए आ गए हैं, बोट ली हमने और पूरे डैम का एक चक्कर लगाया। बड़ा सूदिंग सा म्यूज़िक लगा देते हैं बोट वाले इसमें, और बाकी आप चारों तरफ देखते हैं, हम पैराशूट चल रहे हैं और बाकी हर तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें सामने, ये भी फैमिली एक पूरी। तो जहाँ जहाँ हम नज़र डालें आपको बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आती है। पाकिस्तान माशाल्लाह खूबसूरती से में माला माल है, और जिस जगह भी आप जाएं वहाँ पर आपको एक से एक खूबसूरत नज़ारा मिलेगा।
लेकिन यहाँ आने का जो तजर्बा था वो सबसे मुनफरिद था। उज़्मास किचन में आपको इसी तरह के नए व्लॉग्स और रेसिपीज़ देखने को मिलती रहेंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आकर अपना फीडबैक साथ साथ देते रहें। दोबारा किसी रेसिपी या फिर किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।